नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल निषाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं जौनपुर ज़िले के कबरुद्दीनपुर गांव में हूं और दोस्तों अनुराग यादव की जो खुलेआम हत्या कर दी गई है, चलिए कुछ प्रधान जी से बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं और आपको दिखाते हैं। 40 जी मतलब 35-40 साल से विवाद चल रहा था जी। जो जमीने हैं वो ग्राम समाज जमीन है जी, सरकारी जमीन है, जीएस की जमीन है। हाँ। 932 नंबर है इसका जी, जो कि ये 7 बीघा का प्लाट है जी, जिसमें कुछ आबादी है और हमारे बाबा प्रधान थे तो मृतक के परिजनों को जी 40 एकड़ जमीन पट्टा भी किए थे। अच्छा। वो भूधरी जमीन उनके नाम से हो गई है। हाँ। जिसमें लालता का 1 इंची कहीं नाम की जमीनें नहीं है। अच्छा, लालता के नाम से कोई नहीं, 1 इंची नाम की जमीन नहीं है। अच्छा। जिसमें कि ये 3 बीघे का पूरा 3 बीघा ही प्लाट, मतलब समझ लीजिए कि ये कब्जा किए हैं, अवैध कब्जा, सरकारी जमीन है। लालता यादव, खाली लालता यादव, लालता यादव। हाँ, आज के 4-5-6 महीना पहले कुछ विवाद हुआ था तो हमें बुलाए रामजीत और राम नारायण ने, तो हम आके उसके बाद देखिए जो विवादित जमीन था जी, जो विवादित जमीन था 1 से 1.5 बीघा जमीन है ये वाली जो बाउंड्री घिरी हुई है ना। हाँ, इसीलिए विवाद कर रहे थे तो हम कहे यार इन्हीं के दे दो। हाँ। तो उस समय रामजी थे, अनुराग के पिताजी कहे कि प्रधान जी जो कहिए उसको हम मान लेंगे, जो विवाद खत्म हो जाए। हाँ। मामला कोर्ट में चल रहा था तो हम ये सोचे भाई कोर्ट जो फैसला देगी देगी, लेकिन जो इन लोगों का विवाद है खत्म हो जाए। उधर खूंटा भी गड़वा देते, तभी का खूंटा वो गड़ा हुआ है सामने। फिर जब जब जमीन उनको दिलवाए तो लालता यादव से भी कोई बात हुई हो ना, जमीन उनको क्यों दिलवाए, किस बेस पे दिलवाए? कोई ऐसा था कि उस समय एक गरीब थे, ग्राम समाज की जमीन था। रामजीत अनुराग के पिताजी कहे भैया ग्राम समाज जमीन है, सरकारी जमीन है, इस समय बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, अगर हम कुछ निर्माण करेंगे आज न कल गिर जाएगा, अगर वो गिर जाएगा तो फिर हम बनवा नहीं पाएंगे, अगर हमें बनवाना होगा तो हमारी नाम की जमीन इधर है, इधर दिखाइए, ये पट्टे की जमीन है। अच्छा, पट्टे की जमीन है। हाँ, इस समय बब्बा हमारे पट्टा थे, पट्टा किए थे, प्रधान थे, पट्टे की जमीन अपना बनवाएंगे जना हमारा आजीवन कभी गिरे न। ठीक। और ये पैसा वाले हैं ये तो कल के परसों के बनवा लेंगे, हमारे पास पैसा है नहीं, क्योंकि हम गरीब हैं, एक किसान है, ये तो नौकरी कर रहे थे झारखंड। इनको कोई डर नहीं था कि हमें नहीं, कोई डर नहीं था, क्योंकि जब से नौकरी कर रहे थे झारखंड धरबाद में, वहाँ राजेश भी रहे, एक उनके लड़के जो है दरोगा हो गए हैं, मेरठ में पोस्टिंग है, एक रमेश थे, वहाँ भी ये सब अपराध कर रहे थे। अच्छा। जब से वो रिटायर होके आए हैं यहाँ पे, तब से पूरा तांडव मचाए हैं। ये जान लीजिए कि 12-14 महीना हो गया उनके रिटायर होके आने में, लगभग 2 करोड़ रुपया लेके रिटायर होके आए हैं, तब से आज 12-13 महीना में 18 लोग ऊपर 18 मुकदमे किए हैं। 18 लोग के ऊपर, 18 लोग ऊपर और 18 मुकदमा, मतलब हर 15 दिन हर महीना मुकदमा कर रहे थे। हमारे मोहल्ले में 50 घर का मोहल्ला है जिसमें उनसे सब परेशान था। अच्छा। क्योंकि लड़का उनका राजेश ने दरोगा हो गया था, वो रिटायर होके पैसा लेके आए थे ही, और जब झारखंड जैसे नौकरी कर रहे थे उनका नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से भी संबंध था। अच्छा। क्योंकि जब उनके घर में कप्तान साहब आए हत्या के बाद, जब घटना हो गई, 15-20 मिनट बाद आए कप्तान साहब, उनके घर में फोर्स के साथ तलाशी भी लिए, 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टल, 1 ग्रेनाइट बम भी निकला, तो ये लगा कि यार लग रहा है कि आतंकवादियों का संबंध था, तभी ने बम ये रखा है। मतलब फुल प्लानिंग थी इनकी कि इस प्रकार की घटना घटित करना चाहिए, इनके साथ करना चाहिए किसी और के साथ करना। जब 5-6 महीना पहले विवाद जब खत्म हो गया तो ये बाउंड्री मान लिए, बाउंड्री मान लिए, लालता खत्म हो गया, तो हमारे मृतक परिजन वाले सोचे विवाद खत्म हो गया, विवाद कोई है नहीं। लेकिन उसके मन में कालापन लालता को, रमेश को, लालमोहन को, राजकुमार को, शशांक को, सूरज को बैठा था कि इनकी पट्टे वाली जमीन हम दीवार तोड़ के अपना लेंगे। सामने जो पट्टे वाली जमीन है, पट्टे नाम की जमीन है, कह रहा था कि इसको बाद में, कह रहा था कि दीवार तोड़ के हम जाएंगे वहां तक सड़क तक, तो हम एक बार उनको समझाया यार ये नाम की जमीन है, वो कैसे आप ले लेंगे, ग्राम समाज है अलग बात है, वो सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसको आप ले लीजिए, लेकिन इस नाम की जमीन है इसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसका इतना दबदबा था पैसा के बल पे, ये सब
कई बार एप्लीकेशन भी दिए राजस्व विभाग को थाने पे, पैसा के बल पे हर चीज दाब दे रहा था। अच्छा, किसी राजनीतिक पार्टी से उनका संबंध भी है क्या? बढ़िया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ऐसा है कि जैसे जब से आया है पैसा के बल पे, और एक दरोगा है उसके बल पे, दरोगा खुद वहां से उत्साह किया था कि हत्या कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसका डिटेल भी निकला है, मालूम चला थाने पे पेपर के माध्यम से। उस दिन जिस दिन घटना हुई, उस समय एक रामजस वकील साहब हैं, अनुराग के चाचा जी, चचेरे भाई जी, ऐसे ऐसे सड़क पकड़ के जा रहे थे दतन करते हुए, और इधर से निकला वो रमेश और उन्हें दौड़ा लिया। उस समय सुबह की बेला थी, कोई था भी नहीं, तो वकील साहब चिल्लाते हुए स्कूल की तरफ भागे। अच्छा। उस समय अनुराग सोया था, उसे कुछ पता भी नहीं था। अच्छा। कि क्या हो रहा है क्या नहीं, नहीं बता रहे थे रामजस जी कि हम और दोनों भाई लोग जाते रहे खेत की तरफ जा रहे थे, यहाँ से साथ में दोनों जा रहे थे, फिर बच्चा यहाँ पे ईंटा उठाने लगा, कोई इधर उधर करने लगा, तब जाके उन लोगों ने ईटा तो वही उठाया ना, जैसे वो जो रमेश था तलवारें ईटा लेके थोड़ा दौड़ा था। उस समय वो सोया था, दतवन करते हुए झूमते हुए जा रहा था उस समय। उसके बाद उधर से घूम के आया रमेश, पीछे से मारा, गर्दन उतर गया, गर्दन ऐसा क्रिंचर उतारा था कि लग रहा था कि जैसे कहीं ट्रेनिंग तो नहीं दिया है, कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी, ऐसा क्लीन एकदम उतारा था, जिस प्रकार से बकरे एक बलि दिया था। हाँ, जैसे बकरे एक बलि दिलाती थी वैसे ही दिया था, वैसे ही काटा था। उस समय जब हत्या के बाद 2 मिनट बाद हमें फोन गया, 2-4 मिनट बाद तुरंत तत्काल हम नाहक पूजा करने जा रहे थे, जिस स्थिति में तुरंत भाग के हम यहाँ आए, देखे, देखने बाद धड़ अलग था, और जो गर्दन कटा हुआ था धड़ अलग था, गर्दन था उसकी माँ की गोद में था, माता जी उनकी बेहोश हो गई थी, उसकी बहन स्वाति भी बेहोश थी। आए हम देखने बाद हम हमारी आंखें भी नम हो गई। फिर प्रशासन, 10 मिनट बाद प्रशासन भी आया, इतना हिम्मती था कि गर्दन काटने के बाद लालता ने इसी घर में अपने घर में घुसकर था, हमारे मोहल्ले वाले इतना डर रहे थे कि उसके पास नहीं गए, नहीं तो अगर मोहल्ला वाले चाहे होते तो दरवाजा तोड़ कर उसको निकाल लिए होते बाहर, लेकिन उसकी इतनी दबदबा थी, इतनी दबंगई थी, जब से राजेश ने दरोगा हुआ था, पोस्टिंग मेरठ में है, तब से ये सब पूरा आतंक मचाए थे हमारे मोहल्ले में। अगर रोड धर के वो जा रहा था, लालता हो चाहे रमेश हो चाहे राजकुमार हो चाहे लाल मोहन हो चाहे सूरज हो चाहे शशांक हो, तो हमारे मोहल्ले वाले भी रोड से उतर जाते थे नीचे, इतनी डर, इतनी दबदबा बनाया था। अब तो कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, तो इस मामले में अब आप क्या चाहते हैं प्रधान जी, कि आपका गाँव का मामला है, इस मामले में क्या चाहते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को क्या किस प्रकार? हाँ, हम यही चाहेंगे, ग्राम समाज में इसका मकान है, जीएस में मकान है, दोनों मकान इसका, मकान इधर दिखाइए, ये मकान, दोनों मकान गिर जाए, इसके पीछे भी एक मकान है, जीएस की बंजर जमीन है, दोनों मकान गिरे, रमेश की इनकाउंटर हो, जो रमेश जो मारा है, जो मारा है, जो कातिल है, हत्यारा है, उसका इनकाउंटर हो, जो दरोगा है वो नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसका आजीवन कारावास हो, हमारे गांव से, ग्राम कबरुद्दीनपुर से निष्कासित पूरा परिवार हो, इस गांव में हमारे रहने लायक नहीं है, और 5-5 बच्चियां हैं। हमें चाहेंगे सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि एक बच्चिया को जो खिलाड़ी है उसको नौकरी दिलाए, मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी जना अपने माता पिता को खिला जिला सके, नहीं तो फिर रोड पे आ जाएंगे, उन लोगों का कोई सहारा नहीं है। वही अनुराग एक था, उसको भी गला काट के आज दिया जलाने वाला कोई नहीं है उसके घर। ठीक है, तो अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, इस घटना के बाद जो कार्रवाई चल रही है सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से, कितना संतुष्ट है, कुछ कार्रवाई हो रही है? नहीं संतुष्ट कुछ नहीं है। डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे, हमारे विधानसभा जफराबाद के विधायक जी जगदीश राय भी आए थे। उस समय मृतक के परिजन ने, हम लोग मट्टी नहीं उठने दे रहे थे, लेकिन आश्वासन यही दिए कि
घर भी गिर जाएगा, कार्रवाई कानून कार्रवाई से इनकाउंटर भी हो जाएगा और दरोगा जो नौकरी से भी हटाया जाएगा। अच्छा, उस आश्वासन के अनुमति से हम लोग लाश को मट्टी को छोड़े बॉडी को अब तीन दिन का मौका लिए थे, आज चौथा पांचवा दिन हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कोई बड़ा नेता यहाँ पे आकर के कुछ कह रहा है क्या? देखिए, हमारे भाजपा से गिरीश यादव मंत्री हैं खेलकूद का जी, हाँ आए तो हम लोग कहें कि एक बच्चिया के नौकरी दिलाने का आप काम करिए सरकार से, चाहे जैसे भी ये दोनों मकान जीएस में इसको गिराया जाए। अब आश्वासन दे के गए हैं, अब आश्वासन दिए हैं कि जुमला दिए हैं, अब करके दिखाए तब ना। हमें तो लग रहा है कि अभी वही गए, उसके बाद कुछ मालूम भी नहीं चला, हमें लग रहा है कि जुमला ही दिए हैं, न कि वो कोई कार्रवाई करेंगे आगे। आपको विश्वास नहीं कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, कोई विश्वास नहीं है।